everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ ग्रेटर नोएडा में हमारे प्रोजेक्ट पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्टे में. एंड आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कमर्शियल एरिया. बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिस स्पेसेस एंड कॉर्पोरेट सुइट्स. तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करें, उससे पहले आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन समझ लीजिए. तो पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्टे आपका ऑपोजिट जीटा सेक्टर 1 है ग्रेटर नोएडा में. एंड ये आपका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, 130 मीटर वाइड रोड पे सिचुएटेड है. एंड यहाँ से आपका नोएडा यहाँ से अराउंड 15 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. उसके साथ साथ आपका अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो यहाँ से अराउंड 20 से 25 मिनट की डिस्टेंस पर रहेगा. उसके अलावा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा आपका ग्रेनो मेट्रो स्टेशन, जिसको विप्रो मेट्रो स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है. एंड नियर बाय हॉटस्पॉट्स एंड प्लेसेस की बात करें तो ग्रेटर नोएडा एजुकेशन हब है. तो यहाँ पर मेजर यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है एंड इनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. उसके साथ साथ मेजर शॉपिंग मॉल, स्कूल्स, कॉलेजेस, सारी चीजें यहाँ पर विदिन 3-4 किलोमीटर के रेडियस में है. एंड गाइस, अब मैं लेके चलती हूँ आपको प्रोजेक्ट के अंदर और वहाँ पर हम इन डिटेल ऑफिस स्पेसेस एंड कॉर्पोरेट सुइट्स को डिस्कस करते हैं. इस पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्टे की बात की जाए तो ये एक 90 एकड़ की टाउनशिप है, जहाँ पर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों ही है. रेजिडेंशियल में यहाँ पर विलास है एंड अपार्टमेंट्स है, जो की 90% सोल्ड आउट है. प्लस उसके अलावा अगर कमर्शियल की बात की जाए तो कमर्शियल में यहाँ पर रिटेल शॉप्स हैं, ऑफिस स्पेसेस हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं एंड कॉर्पोरेट सुइट्स हैं. एंड आज का हमारा मेन फोकस है कमर्शियल पर. तो उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर अराउंड 2500 रेजिडेंट्स एट प्रेजेंट रह रहे हैं. ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है. उसके बाद कमर्शियल पे आते हैं तो कमर्शियल आपका प्रोजेक्ट है आगे के दो टावर्स में रहेगा, जिनका नाम है ओक एंड पाइन. इनकी टावर हाइट आपकी 22 फ्लोर्स की रहेगी. तो इनको हम पूरा समझते हैं. सबसे पहले तो लोअर ग्राउंड, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर आपकी रिटेल शॉप्स रहेंगी. सेकंड से फोर्थ फ्लोर तक यहाँ पर ऑफिस स्पेसेस हैं. फिफ्थ फ्लोर पर एक क्लब हाउस है, जो कि सिर्फ इन्हीं दो टावर्स के लिए डेडिकेटेड है. उसके बाद फिफ्थ से 22 फ्लोर्स ऑनवर्ड्स यहाँ पर आपके रहेंगे ऑफिस स्पेसेस एंड कॉर्पोरेट सुइट्स. एंड टॉप फ्लोर पर है आपका ओपन रेस्टोरेंट. तो अभी फिलहाल मैं इन दोनों टावर्स के टॉप फ्लोर पर खड़ी हुई हूँ एंड आप यहाँ का ओपन रेस्टोरेंट देख सकते हैं. काफी ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही बड़े साइज में यहाँ पर ओपन रेस्टोरेंट मिल रहा है एंड रात में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है. प्लस पीछे यहाँ पर आपका पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्टे का व्यू भी है, जहाँ से आप विलास वगैरह देख सकते हैं. Guys, we are outside a sample suite, so let's go inside and check it out. Guys, the size of this corporate suite is 880 square feet. This will be the entrance, and as you will enter on the right hand side is the space for your kitchen. यहाँ पर आपका किचन एरिया रहेगा, ऑपोजिट विच इज दी मल्टीपर्पज स्पेस, जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस को यूज कर सकते हैं. एंड आगे आते हैं तो दिस इज दी लिविंग एरिया ऑफ द कॉर्पोरेट सुइट. तो आपको काफी अच्छे डिसेंट साइज में यहाँ पर लिविंग एरिया मिल जाता है. एंड दिस साइड यहाँ पर आप अपने लिए एक टेबल लगा सकते हैं एंड यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं. प्लस दिस लिविंग एरिया ऑल्सो हैज अ बालकनी, इट्स अ रनिंग बालकनी. And here is the bedroom of this corporate suite. तो काफी ज्यादा spacious यहाँ पर bedroom है. And यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप अपनी wardrobe यहाँ पर fix कर सकते हैं. यहाँ पर आपका LED panel रहेगा. And this side is the balcony. Again, just मैंने आपको बताया था ये running balcony है. तो ये आपके living area and आपके bedroom के साथ joined रहेगी, connected रहेगी. And आप video में देख सकते हैं काफी अच्छी width and length के साथ ये balcony यहाँ पर मिल रही है. साथ ही साथ इस बेडरूम में एक अटैच्ड वॉशरूम भी है. सो दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम. ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस साइज में है. द साइज ऑफ दिस वॉशरूम इज जस्ट अमेजिंग. एंड गाइस, दिस वाज द कॉर्पोरेट सुइट जिसका साइज था 880 स्क्वायर फीट. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ऑफिस स्पेस में, वो भी एक सैम्पल ऑफिस स्पेस है. तो चलिए उसको भी देखते हैं. एंड गाइस, हियर इज द सैम्पल ऑफिस स्पेस. एक रूम पर आपके पास चार लिफ्ट रहेंगी इन्हें एक्सेस करने के लिए, प्लस आपके पास स्टेयर्स भी रहेगी. आउटडोर स्पेस यहाँ पर ऑफिस स्पेस में आपको 425 स्क्वायर फीट से लेकर 495 स्क्वायर फीट की साइज रेंज में आपको साइजेस यहाँ पर मिल जाएंगे.
ऑफिस स्पेस आपका अनफर्निश्ड कंडीशन में रहेगा. वहाँ तो फिलहाल यहाँ पर सारी चीजें कर रखी है, ये पूरा फर्निश्ड है, बट द एक्चुअल वन विल बी अनफर्निश्ड वन. एंड गाइस, ऑन द फिफ्थ फ्लोर इज द क्लब हाउस दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर दीज टू टावर्स. कैन फाइंड क्लब हाउस में आपकी सारी बेसिक अमेनिटीज रहेंगी, इंडोर गेम्स रहेंगे, प्लस उसके अलावा जिमनेजियम यहाँ पर है, आपका कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पर है, बैंक्वेट हॉल है. सो बेसिकली जो भी अमेनिटीज एक क्लब हाउस में रहती है वो सारी की सारी यहाँ पर भी प्रेजेंट है. एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर दिस टू टावर्स ओनली. सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज प्रोजेक्ट पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट डे. एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी कॉर्पोरेट सुइट्स एंड ऑफिस स्पेसेस. आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं. मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है. वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से कुछ ढूंढ रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड बैंक की में जो FD करते हैं उससे अच्छे रिटर्न चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है. क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका स्टूडेंट्स के लिए काफी फेमस है. यहाँ पर स्टूडेंट एरिया है, पूरा एजुकेशन हब है. यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में कई सारे कॉलेजेस हैं. सो ऐसे स्पेसेस स्टूडेंट्स की ज्यादा प्रेफरेंस रहती है. साथ साथ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के बीच में भी ऐसे एरियाज की काफी डिमांड रहती है. ऑफिस स्पेसेस या कॉर्पोरेट सुइट्स उनमें काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं. अगर मैं आने वाले टाइम की भी बात करूँ तो आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी आने वाली है. यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे यूनिवर्सिटीज तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक है. एंड इन फ्यूचर यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विसेज भी आएंगी. दैट मीन्स ये सारी चीजें मिलकर यहाँ पर एटलीस्ट 20 लाख प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे. सो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा हैंडसम रेंटल इनकम जनरेट आप कर पाएंगे यहाँ पर. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है. बहुत ही रेयरली रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हमें मिल पाते हैं. सो सारे ही जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, सारे ही USPs इस प्रोजेक्ट के फेवर में है. आपका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, 130 मीटर वाइड रोड पर सिचुएटेड है, कनेक्टिविटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं तो कॉर्पोरेट सुइट्स आपके 40 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू यहां पर होते हैं. उसके साथ साथ अगर ऑफिस स्पेसेस की आपको प्राइस जानने हैं तो उसके लिए आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा. एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल रियलिटी 360 डिग्री को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आती रहती हूँ. एंड उसी के साथ साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.